जैसे मैंने आपको बोला था, हम आ चुके हैं अपने भतीजे के रेस्टोरेंट में। चलिए मैं आपको भी दिखाऊंगी और भाभी से भी मिलाऊंगी। चलिए बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ मैं। कहाँ है फनी? सो गाइस, हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट और देखिए कितना अच्छा व्यू है। हर जगह लाइटिंग्स ही दिख रहे हैं, कस्टमर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए अब मैं आपको अपने भतीजे से मिलाती हूँ जिसका नाम है हरप्रीत सिंह। तो चलिए मिलते हैं हरप्रीत से। नाउ ये बैठा हुआ है हमारा बेटा हरप्रीत सिंह और मैं बना रही हूँ वीडियो। तो है ना हैंडसम मेरा बेटा। तो चलिए अब थोड़ा सा व्यूज देख लेते हैं कैसा है ना, क्योंकि बहुत सुंदर लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोग राजकोट में रहते हैं और इस होटल पे नहीं गए हैं यारादा ढाबा में, तो श्योर आप ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ की मील्स भी बहुत ही स्वाद है। ये देखिए पूरा एक पंजाबी लुक दिया गया है यारादा ढाबा को, तो रियली में यारादा ढाबा ही है कि बहुत ही अच्छा लुक है। देखिए एक अपने कल्चर को प्रेजेंट करता है। आई लव अमृतसर, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। ये MLA आए हुए थे चंडीगढ़ के आई थिंक, तो वो लोग फोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे। ये MLA थे, गार्ड्स दिख रहे हैं हमको वहाँ पे, और मेरा कैम सो चुका था उस टाइम। देखिए मेरा बेटा, बड़ा बेटा, ये मेरे हबी। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, मैंने भाभी को बोला कि चलिए भाभी ऊपर चलते हैं, ऊपर का थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। ये थोड़ी पार्टी उटी के लिए एक हॉल है नीचे, और ऊपर भी बहुत अच्छा डेकोरेशन था, लाइट्स लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है, बहुत अच्छा है। ये MTV के जस्ट पास में ही है, अगर आप राजकोट में हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। MTV के जस्ट सामने ही है। देखिए ऊपर का व्यूज़ भी, सारे लाइटिंग्स हैं पूरे। ये देखिए ऊपर से नीचे का व्यूज़ कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे नाइट में भी रौनक रहती है, 2-2.5 बजे तक 3 बजे तक खुला रहता है ये होटल। देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए क्या उठ गया, ज्ञान खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। ये बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा था, अपने भैया के पास जाना था, उसे खेलना था, मस्ती करना था। तो क्या ना ऑलमोस्ट मस्ती करता ही रहता है, हमेशा ही मस्ती करता है, बहुत ही सुंदर है। अंदर वहां पूरा एक हमारे कल्चर को प्रेजेंट किया गया है, अंदर का भी आपको हम दिखा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। अभी जब हम आपको अंदर का दिखाएंगे, आप देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो जो भी आप पंजाबी कल्चर से रिलेटेड हैं या नॉन पंजाबी भी हैं, एक बार ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। एंड स्पेशली मील, बहुत ही अच्छा मील मिलता है यहाँ पर, बहुत स्वाद है। आपको पता है खाने की तो मैं दीवानी हुई, तो मैंने जो यहाँ का मील टेस्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वाद लगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आप ज़रूर एक बार टेस्ट करिएगा। अभी चलिए आपको अंदर का दिखाते हैं, हमारे पंजाब की हिस्ट्री से मिलाते हैं आपको, कि यहाँ पूरा हमारे पंजाब का कल्चर बताया गया है, हिस्ट्री बताई गई है। एक बोलते हैं ना, एक छोटे से फोटो में ही हमें सब चीज़ बता दिया जाता है। तो ये देखिए वॉल पे सारा पिक्चर्स बना हुआ है, इसमें सारा हमारा पंजाबी हिस्ट्री कल्चर सारा प्रेजेंट कर दिया गया है। ये देखिए आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा एक बार। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है ये, आपको ऐसा लगेगा कि आप पंजाब में ही आ गए हैं, और इन्जॉय करिए। चलिए आप इन्जॉय करिए वीडियोस।
आपको रेस कोर्स दिखाएंगे तो सबेटा। और गाड़ी में चल रही है गाने। बस चुप करो, कल हम आपको घुमाएंगे रेस कोर्स। टिल देन।